आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव खड़कपुर बाजे पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 10 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। 3500 वोट और 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर राज बहादुर सिंह के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान राज बहादुर सिंह और सचिव मोहन सिंह रावत के द्वारा स्कूलों का सौंदर्यकरण के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के खड़कपुर बाजे ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक अपनी ग्राम पंचायत में करवा चुके हैं? सीसी टाइल्स लगवाई है, सबसे ज्यादा जोर मेरा शिक्षा की तरफ रहा है जी, और पानी निकासी की तरफ जी। पानी निकासी के लिए आपने क्या नाली वगैरह बनवाई है? सीसी टाइल्स भी लगवाई है। हमारा ODF हो गई ग्राम पंचायत, ODF भी हो गई है। और क्योंकि हमारा ग्राम जो है वो रामगंगा के किनारे बसा हुआ है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, हर वर्ष पानी आता है बाढ़ का, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूलों में जो पहले अव्यवस्था थी उसमें मैं शुरू से ही प्रयासरत रहा और बाउंड्री वॉल, बेंचें और सारी चीजें स्कूलों में सौंदर्यकरण, और ये जो है सारे स्कूल, 6 स्कूल आते हैं मेरी ग्राम पंचायत में, जिनमें सभी में मैंने जो है टंकी फिटिंग वगैरह, समरसेबल और ये सारी सुविधाएं जो जरूरत वहाँ की थी वो आपने पूरी वो मैंने जो है पूरी की जी। यहाँ आवास मिले हैं लोगों को? आवास भी यहाँ पे मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं, 4 लोहिया आवास भी यहाँ मैंने कराए हैं गरीबों के लिए जी। और प्रयास में हूँ कि जितनी ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ गांव में सभी को मिल पाता है। हाँ, ये जो है जितने उज्ज्वला योजना के तहत जो है जो भी लोग थे गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत मैंने जो है कनेक्शन भी कराए हैं और बिजली का वो मैं खुद अपने उससे जो है वो देख रेख में रखता हूँ, क्षेत्र में गाँव में सब में घूम कर और परेशानियां सुनने के लिए ही जो है सोलर लाइटें भी लगवाई हैं, कूड़ेदान वगैरह रखवाए हैं जी। जैसे कि अब ये बीमारी इतनी फैली हुई है, महामारी कोरोना वायरस भी फैली हुई है, इसको लेकर के क्या आपने अपने गांव में दवाइयों का छिड़काव वगैरह ये सब आपने करवाया है? ये मैं 4 साल से लगातार करवाता रहता हूँ और अब भी जो है 3-4 दिन बाद अब जैसे मच्छरों का प्रकोप है उसके बचाव के वो भी बताता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। मतलब लोगों को आप अपने गांव वालों को जागरूक करते रहते हैं अपने स्तर पर और दवाइयाँ भी छिड़कवाता रहता हूँ। पिछली बार ज्यादा जो है हमारे यहाँ मच्छरों की बीमारी की वजह से ज्यादा बीमार हुए, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे फॉगिंग भी कराई अपनी ग्राम सभा। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं? हाँ, धर्मशालाएं बनी हुई हैं, उनमें मेरा सहयोग रहा है। जो प्राइवेट धर्मशालाएं भी हैं उनमें मेरा जो है वो सहयोग रहता है। जो भी प्राइवेट धर्मशाला बनी हुई है, क्या सरकार की तरफ से कोई बारात घर, शादी घर इस तरह की कोई सरकार बनी है? सरकार की तरफ से इस तरीके की कोई बिल्डिंग नहीं, कोई नहीं है। पंचायत भवन है? पंचायत भवन है, वो दूसरे गाँव में है। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, लेकिन एक स्कूल में ही कमरे हैं जी। खेल का मैदान? खेल के मैदान छूटे हुए हैं, चूँकि हमारी ग्राम सभा में जो है हमारे रकबे की आबादी रामगंगा पार है, इसलिए ज्यादा सुविधा बच्चों के खेल कूद की नहीं होती है। अस्पताल है? यहाँ अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल है खड़कपुर बाजे में जी। जो जो प्रतिदिन जो है वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं जी। और जानवरों का अस्पताल भी है, क्योंकि बिल्डिंग जो है जर्जर है जी। इसलिए जो है गाँव में अन्य अन्य स्थानों पर जो है वो डॉक्टर जगह जगह बैठकर कैंप लगा कर अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आप रखना चाहेंगे? हम चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छे कदम हैं, वो जो है तारीफ काबिल जो है और मैं चाहूँगा कि जो थोड़ी सी गाँव की पानी के निकासी की समस्या है, सबसे ज़्यादा पानी की निकासी की समस्या रहती है गाँव में,
कि चूंकि हम रामगंगा नदी में डाल नहीं सकते पानी नदी प्रदूषित करने के लिए, इसलिए मेरी गांव में जो है वो पानी की निकासी तालाब निर्माण आप मतलब चाहते हैं कि कोई तालाब यहां पर निर्माण कराया जाए जिसमें कि गांव के सारा जो जल भराव है वो पानी वहां पर जा सके। जी क्योंकि हमारे ग्राम के चारों तरफ कोई ऐसी ग्राम सभा की जमीन नहीं है जिसमें कि तालाब खुदाई हो सके, उसी के कारण जो है थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है कहीं गड्ढे खुदवाते हैं, कहीं जो है पानी का निकासी का साधन किए। कितने परिवार यहाँ गांव में अभी ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? लगभग अभी 30-40 परिवार ऐसे हैं जो ग्राम सभा में जिन्हें आवश्यकता है। क्या कच्चे रास्ते अभी भी हैं बाकी गांव में? कच्चे रास्ते अभी हैं गांव में। कितने मीटर सीसी से जो है गांव पूरा पक्का हो जाएगा? लगभग में एक ग्राम, चूँकि मेरे गाँव में 4 मजरे लगती हैं, 4 मजरों में जो है वो काफ़ी ज़रूरत है अभी सुधार की। जब से मैं बना हूँ, जब से मैंने जो है वो काफ़ी सुधार किया है रास्तों का, और जो भी लोग आए हैं देखते हैं वो उसमें सुधार है। क्योंकि 4 मजरे हैं, 4 मजरों में एक साथ सब चीज़ जो नहीं हो पाती समय रहते तक जो है, बाकी के जो विकास कार्य बचे हुए हैं वो उम्मीद है कि जो अभी समय बाकी भी है और आगे आने वाले समय में आपकी कोशिशें रहेंगी कि इनको पूरा करवाएं। जो मेरा समय बचा है उनमें मैं चाहूँगा कि अच्छे कार्य करूँ और जो विकास में रुके हुए हैं उन्हें पूर्ण कर सकूँ। ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है। काफ़ी विकास यहाँ प्रधान द्वारा इन 4 सालों में करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से गाँव पूरी तरह से ODF हो चुका है, शिक्षा की तरफ काफ़ी रुझान प्रधान ग्राम प्रधान का भी रहा है और मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में काफ़ी सौंदर्यकरण का काम करवाया गया है। लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी मौजूद हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर और आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर निर्मित नहीं है। इसके साथ ही खेल का मैदान जिसकी जगह छूटी हुई है, लेकिन यहाँ सबसे प्रमुख समस्या जो ग्राम प्रधान द्वारा बताई गई है वो एक तालाब निर्माण को लेकर है। वो चाहते हैं कि यहाँ इस गाँव में तालाब निर्माण हो जिससे कि गांव के जल भराव की समस्या दूर की जा सके। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश है। कौन सा गांव का निवासी हो? हेदेपुर, ग्राम समाज खड़कपुर बाजी है हमारी। खड़कपुर बाजी जी। यहाँ 4 वर्षों में विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, मतलब काम करे हमारे प्रधान ने, जो भी काम करा बढ़िया करा, आज खरंजे भी बढ़िया कर दे, रास्ता ये है और उसके साथ साथ जो भी काम है सब उन्होंने मतलब जो बढ़िया करे हैं। काम तो सहमत हो आप? हाँ, हम तो सहमत हैं जी।